हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 15 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस देश के बैंक पसरगद को भारत में शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान के बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबस ने तीन भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका संबंध है? तो इसका संबंध है फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी से, और ये तीन भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं, नीवी, ई फ्लाइट, एयरपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेरकट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आंसर आएगा मेरकट दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है, जिसकी लंबाई है? तो इसमें आंसर आएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 354 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बेंगई नाचा किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर किस खिलाड़ी ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया? तो इसमें आंसर आएगा एंजेलिक केरबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले देश के चौथे बल्लेबाज और विश्व के 12वें बल्लेबाज बन चुके हैं? तो इसमें आंसर आएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में FSSAI प्रमाणित प्रसाद की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 का फाइनल फ्रांस और अन्य किस टीम के बीच में खेला जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अनुपस्थिति में राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण सेक्टर में नियुक्ति मेधा ब्रेक वाटर हार्बर को वाणिज्य मंत्रालय के 12 चैंपियन सेक्टर पहल के तहत मान्यता दी गई है। कोंकण सेक्टर निम्नलिखित राज्यों में से किसका हिस्सा है? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सैफी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, यह किस राज्य में आता है? तो इसमें आंसर आएगा यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 2018 में निम्नलिखित में से किस तारीख को होगा? तो इसमें आंसर आएगा 27 से 28 जुलाई, और यह चंद्र ग्रहण 1 घंटे 43 मिनट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 ट्रम्फ जिसे पहले S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था,
यह एक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली है जो 1990 के दशक में किस देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें आंसर आएगा रूस द्वारा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूस के साथ S-400 ट्रम्फ वायु रक्षा मिसाइल सौदे पर बातचीत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहेगी और इसे रूस द्वारा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करेगी? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश सरकार। राज्य के लोगों को बालिका के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए, लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनूठा विचार पेश किया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। इसके तहत राज्य सरकार लड़कियों को जिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने अपनी पहली संयुक्त ब्रिज प्रबंधन प्रणाली यानी ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च की है। यह कितने रेलवे पुलों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करने में सक्षम है? तो इसमें आंसर आएगा 1,50,000 आंकड़ों का। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मंजू तिवारी, सीमा नायर, निशा ठाकुर और हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला 3D व रंगीन एक्सरे की खोज की है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, न्यूजीलैंड, चीन और भारत। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।